Special from Varanasi. एक गीत है प्रचलित है दादरा जिसको बोलते हैं कि नायिका और नायक का प्रसंग है ये और बहुत ही मतलब एक चित्रण है गीत के माध्यम से तोरे नैना तोरे नैना तोरे नैना की लागी कटार सजनी तोरे नैना चैन पावे न बनवा हमार सजनी भाषा समझ में आ रही है बिल्कुल बनारस की भाषा है कि मतलब भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को आ रही आ रही थोड़ा सा हिंदी से थोड़ा सा अलग है नहीं नहीं पर तोरे नैना लागी कटार सजनी तोरे नैना चैन पावे न बनवा हमार सजनी तोरे नैना आगे नायक क्या कहता है तुम्हारे बिना मोहे कल नहीं आवे तुम्हारे बिना मोहे कल नहीं आवे तुम्हारे बिना मोहे कल नहीं आवे और आगे क्या कि रही रही मोरा मतलब तुम्हारे बिना कल नहीं आ रहा मतलब चैन नहीं मिल रहा तुम्हारे बिना मुहे कल नहीं आवे रही रही मोर जीरा जावे कब होई मिलन हमार सजनी तोरे नैना तोरे नैना की लागे कटार सजनी अब इसको अगर थोड़ा सा क्लासिक अंदाज में ले जाइए मतलब हमारे शास्त्रीय संगीत में क्या होता है ये तो सादा है तो गाने के तरीके से है मानस लेकिन यानी रिदम दोनों सबके अभी सबके अगर इसी चीज को अब ये सादा है लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा शास्त्रीय अंदाज में ले जाए जी तो अब ये तो सादा है देखिए हम जैसे गाते हैं ये तो कोई भी समझ लेगा इसमें कोई शास्त्रीय वर्क नहीं है सिंपल है ये तोरे नैना की लागी कटार सजनी अब ये सादा हो गया अब इसको अगर हम डांस के स्टाइल में कहें जिसे आप सीखती हैं डांस तो हम लोग डांस के साथ गाते हैं तो डांस में तो डांसर को तो फीलिंग दिखाना है ना कई तरीके का जी जी तो अब एक ही बार गाएंगे तो काम नहीं चलेगा नहीं। एक ही लाइन को कई अंदाज में गाना होगा देखिए कैसे होता है इट्स अ लव सॉन्ग बट इट्स अ क्लासिकल लव सॉन्ग अब देखिए इसी को अगर हम क्लासिक अंदाज में गाएंगे तो हम इसको ऐसे गाएंगे देखिए पहले तो सीधा गाएंगे तोरे नैना की लागी कटार सजनी तोरे नैना तोरे नैना तोरे नैना तोरे नैना इसको जितना सजाइएगा उससे अंदर ले जाइए क्लासिकल हो जाते वो मतलब
नैना कहने का अंदाज क्या है, एक ही सब देखिए लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हम उसको सितारा जैसे बैठाते हैं। हाँ, जैसे सजाने का मतलब सजाने वाली बात है ये चीज। तो ये बनारस का, इसको दादरा बोला जाता है। अब देखिए चैती कही जाती है, चैती कजरी आपने सुना होगा, आप लोग बनारस के हैं तो चैती चैत के महीने में गाई जाती है, होली गाया जाता है हमारे यहाँ, जो हमारे इंडिया का ये चीज है। तो एक चैती आपको सुना रहे, देखिए कल्पना क्या है। ये कल्पना है, पहले आप लोगों को हिंदी में बता देते हैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा है, आप समझ जाएंगे क्योंकि आप चौबेपुर के हैं। लेकिन जो चौबेपुर का नहीं है उसको थोड़ा समझने में परेशानी होगा। भाषा ये है कि एक जो नायिका है वो नायक के साथ, नायिका जो है वो नायक के साथ मतलब श्रृंगार के मुद्रा में है। अच्छा, तो होता क्या है कि कोयल जो रहती है मतलब वो अपने पिया के साथ सोई रहती है, तो कोयल बोलने लगती है रात को। कोयल दिन में बोलती है बागीचे में, लेकिन वो क्या होता है कि रात को बोलने लगती है तो उसका जो आदमी रहता है, हस्बैंड रहता है, वो जग जाता है, उसका नींद खुल जाता है, तो डिस्टर्ब हो जाता है, कौन शोर मचा रहा है। तो फिर वो नायिका गाती है कोयल के लिए, वो ये चैती में है। देखिए सेजिया से सैया, सेजिया से सैया रूठ गई ले कोयल तोरी बोलिया। मतलब कोयल तुम्हारे आवाज के कारण जो है हमारे जो हस्बैंड है मतलब हमारे पिया है जग गए, सेज से उड़ गए, उनको नींद नहीं लगा, कह रही है सेजिया से सैया रूठ गई ले मोरा मां कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया सेजिया से सैया रूठ गई रे मोरा मां कोयल तोरी बोलिया। आगे कि मतलब हमारे पिया जो है तुम्हारे शोर मचाने के कारण जो है, देखो कितना आराम से सोए थे लेकिन तुम इतना शोर मचाए कि उठ गए, चैन नहीं मिला। तो आगे क्या कर रही है कि जो तू ही बोले कोयल साझे सवेरे मारे, मतलब तुम तो शाम सांझ को और सवेरे बोलती हो लेकिन आज क्या हुआ, जो तू ही बोले कोयल साझे सवेरे मारे, आज काहे बोले आधी रतिया कोयल तोरी बोली। मतलब आज क्यों जो है आधी रात को तुम बोलना चालू कर, मतलब तुमको नहीं बोलना चाहिए। आगे क्या करती है देखिए इसको, मतलब कितना बढ़िया चीज है कि अच्छा ठीक है बोल रही हो आधी रात को ना, देखो हम कल क्या करते हैं तुम्हारे लिए। बहुत भोर मतलब सवेरा होने दो, बहुत भोर तुरे खुतवा उजड़ के, मतलब कि भोर होने दो तुम्हारा घोसला जो है उजाड़ेंगे, तुमको जो है सवत बना दिए। बहुत श्रृंगार का चीज है ये, बहुत भोर तोरे खुतवा उजड़ दे
और अरे और कटैबे बन बगिया मोरामा कोयल तोरी बोली और कटैबे बन बगिया मोरामा कोयल तोरी बोलिया। तो ये रहा आपका बनारस का जो है ये चैती हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बनारस में ही ऐसी चीजें हैं कि आपको कहीं और बाहर सुनने को नहीं मिलेगा। वाह, सारा साहित्य जो है ये आपके हमारे काशी में है। हमारा काशी जो है संगीत और साहित्य का केंद्र है। सही बात है। और हाँ जी, सुनाने का तो बहुत सा चीज है, कजरी है, चैती सावनी लोग गाते हैं, सावनी भी हमारे यहाँ चीज मतलब सावन में जो है जी जी ऐसा बहुत सा चीज आता है, सावन में लोग गाते हैं। और क्या कहते हैं, बनारस में जो हमारा मतलब बनारस का जो घराना है उसमें कई तरीके का चीज है, जैसे एक ये है सावन में लोग गाते हैं एक होली सुना रहे, चैती जो है। महाराज, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इट, इंक्लूडिंग यू। एक्चुअली आई एम सिंगिंग अबाउट माय ओन सिटी, अबाउट वाराणसी, बनारस। आप लोगों ने कई होली सुना होगा, लेकिन शिव की होली जो है कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी देवी देवता हैं सब होली खेलते हैं। कृष्ण ने होली खेला है गोपियों के साथ, राम जी ने भी होली खेला है, लेकिन शिव जी जो है, शिव जो है कभी होली नहीं खेलते हैं। अच्छा। क्योंकि शिव जो है उनको मृत्युंजय का अवतार माना जाता है, मतलब वो मृत्यु के देवता है, मतलब वो अवघड़ी है ना, श्मशान में रहते हैं, तो इसलिए वो कभी होली नहीं खेलते हैं। लेकिन एक लेखक ने जो है शिव को भी खिला दिया। हाँ, उसने कल्पना किया। अच्छा। कि मतलब अगर राम होली खेल सकते हैं, कृष्ण होली खेल सकते हैं, तो शिव जी क्यों नहीं खेल सकते हैं। सही बात है। तो यदि शिव होली खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, देखिए इस गाने में उसी तरह से है। कभी शिव होली नहीं खेलते हैं। इनकी होली जो है शिव की होली, ये अलग होली है, मतलब कि सारे लोग रंग से होली खेलते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, लेकिन इनकी होली रंग और गुलाल की होली नहीं है। ये इनकी होली है श्मशान की होली। ये देखिए कल्पना की, कल्पना है ये, हम लोग गाते हैं। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। शिव का नाम है दिगंबर। दिगंबर मतलब नंगा, मतलब शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहता, सिर्फ एक मृगशाला है, इसलिए उनका नाम दिगंबर भी है। शिव जी का नाम दिगंबर है। इनके होली में क्या है कि ना कोई गोप न कोनो राधा, मतलब कोई भी गोप न कोई गोपी न राधा, कोई नहीं चाहिए, कोई श्रृंगार नहीं है इनके होली में। ना कोई टोप न कोनो बाधा। और होली कैसे खेलते हैं कि चिता भस्म भरी झोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली। सारे लोग रंग से होली खेलते हैं, लेकिन वो चिता से जो भस्म है उनका होली उसी से होता है, वो लगाते हैं अपने शरीर पर जो है,
उनका रूप ही ऐसा है ना, शिव को ऐसा ही माना गया है। तो इस तरह का बहुत सा संगीत है बनारस में हमारे, अगर आप अंदर तक जाइएगा तो बहुत तरीके का गाना आपको मिलेगा। अरे जरूरत नहीं, आप तो है ना पहुंचाने के लिए। कहिए तो गजल उदय लगा सुनाए, हम जो मानो सब सुनाइए, बस सुनाते रहिए, सुनने में मजा आ रहा है। आगे बहुत बड़ा है ये, इसमें एक लाइन है। कहते हैं भूतनाथ की मंगल होली, उनका नाम है भूतनाथ। भूतनाथ की मंगल होली, देखी सिहाही ब्रज के छोरी। मतलब उनका होली देख करके जो है ब्रिज की गोपी लोग भी जो है सिहा रही है कि गजब का इनका होली है, बहुत विचित्र है, कैसे खेल रहे हैं। और कह रही है धन धन नाथ अघोरी, धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेल मसाने में। कहते हैं कि भगवान शिव की भी महिमा जो है अलग ही है, कि हम लोग तो इतना भगवान के साथ होली खेले, लेकिन जैसा ये होली खेल रहे हैं शिव, ऐसा होली विचित्र होली किसी का नहीं है। कई तरीके का जो है, एक एक पूरा होली सुना दीजिए शुरू से अंत तक, एक होली का पूरा गाना, बीच में रुकिएगा मत, समझाइएगा मत, पूरी होली का गाना एक सुना दीजिए। लेहो के लिए स्पेशल एक होली का गाना, because holi is coming, so I am requesting him to sing a special holi song for you. Maharaj, Rao said you greeting. He want to bring you also to one another place to sing, but I say you already going. Yes. Telling me is busy. Yes. चलिए अगले बार फिर मुलाकात होगा आप लोगों से। इस बार तो थोड़ा जल्दी था, अगले बार मुलाकात होगा, गाना बजाना होगा बढ़िया से। हारमोनियम को जो है यहाँ कोई ट्यूनिंग वाला नहीं है इधर, हाँ कहा इसको वापस से जाना पड़ेगा ट्यूनिंग करने। टर्टू में यहाँ टर्टू का मेढक टर्टू करता था, अगर समय रहता तो हम इसको ट्यूनिंग कर सकते। थोड़ा सा ये है कि इसको ट्यूनिंग करने में समय लगेगा, इसमें आपको वो भी चाहिए ना, कानपुरा चाहिए, उसकी मतलब नहीं है, वो तो चाहिए था हमको जरा सा स्क्रू ड्राइवर खोलने वाला है, दूं क्या अभी इतना जल्दी नहीं होगा सर, गाना सुना दीजिए, क्योंकि इसमें पूरा रीड खोलना पड़ेगा, खोल करके उसको थोड़ा घिसना पड़ता है इसके अंदर, जो यह सर में ना यहाँ के ठंडा लग गया इसीलिए टाइट हो गया प्लेट जो है उतर गया, इसीलिए मैं पहले आपसे पूछी थी, लेकिन वातावरण एकदम इंडिया का बना दिया है, इंडिया से इतना दूर से इतना मिल रहा है और हम ट्यूनिंग, हम क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कोई फुल गाना सुनाइए एकदम कंप्लीट, कोई भी अपना पसंदीदा, अपना पसंदीदा तो आप सुनाई दिए पहला वाला गाना। देखिए बहुत पसंदीदा किसको कहा जाए, जब आदमी गाने सब ऐसे हैं कि आदमी गाने लगता है ना, गजल सुन रहा था ना, एक गजल सुन रहा था, एक गजल है आपको सुना रहे हैं, मेरा मन पसंदीदा गजल है ये, वाह क्या बात है। अंदाज अपने देखते हैं, गजल की बात अलग है, उसकी एक उसका गाने का अंदाज अलग हो गया, देखिए अंतर आएगा आपको। अंदाज अपने देखते आईने में वो, और ये भी देखते कोई देखता, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो,
और ये भी देखते हैं कोई देखता ना देखता ना हो क्या बात है क्या बात है कल चौदह में रात थी सब घर रहा चर्चा तेरा ये थोड़ा सा क्लासिक टाइप वगैरह है कल चौदह की रात थी सब घर रहा चर्चा तेरा कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा कल चांद में रात थी सब चर्चा गुलाम अली साहब की गजल है सुने होंगे उन्हीं की गजल है ये इस शहर में किसे मिले इस शहर में किसे मिले इस शहर में किसे मिले हमसे तो छोटी महफिल हर शख्स तेरा नाम ले हर शख्स तेरा नाम ले हर शख्स दीवाना तेरा कल चौदह की रात थे सब घर रहा चर्चा तेरा ये गजल थोड़ी क्लिष्ट पड़ेगी थोड़ी सी मतलब जो गजल के वाकई में कदरदान होंगे जिसको मतलब वास्तव में गजल पसंद होगी वो जो है एक और भी सरल है जैसे जगदीश सिंह साहब की गजल है ये जगदीश सिंह साहब की गजल है तुमको देखा तो ये ख्याल तुमको देखा तो ये ख्याल जिंदगी को तुम घना सा तुमको देखा तो ये सुनिए हम जिसे गुनगुना नहीं सकते इतना प्यारा बोल है इसका हम जिसे गुनगुना नहीं सकते वक्त ने Leo, when? Don't see the watch. What time do you have plan to leave? Actually, I have to buy tickets for him. Yes. What time? 7:30. Today? Because for this flight ticket or what ticket? Tomorrow morning. Yes, call him. Call me up. There are later buses, but because my sister is also living with family, I need to go to buy that. And the tabla player will pick up him. At the bus station. So
Ask him what is latest time. Say if later is already too late for him. Okay. I can't do anything. I like to stay also. 7:30, okay? Then start. I like to stay also long time. Yeah, DJ, you're going to Pile. आपका एक दो जी मेरा तो बड़े आते ही हो आप हाँ सर कोई भी एक बहुत पूरी सुना दीजिए बहुत सारे हजारों गाने हैं लाखों गाने अब आपको किस तरह का पसंद है वो मुझे नहीं पता नहीं तो बताने को तो मैं कुछ नहीं बता सकता बताइए कुछ याद दिलाइए तो खैर बहुत सा गाना है कोई शारदा सिन्हा का कोई गाना सुना दीजिए अपने मनोज तिवारी जी है ये है उन्हीं का सुना दीजिए मनोज तिवारी का कौन सा गाना बताइए मनोज तिवारी का बहुत सारे चलन करा ए बबुनिया सीए से कह के ये तो बहुत गाना है या मैया जी वाला सुना दीजिए मनोज तिवारी का एक गाना हाँ सुनाइए अच्छा हमको लगा उनका गाना अच्छा अच्छा उनका हमको क्या गाना अच्छा लगा ओके सुनाइए बसंती बसंती चमन बसंती चमन बड़ा अजीब लग रहा है इतने दूर इंडिया से आ गए भोजपुरी गाने में मतलब कोई भोजपुरी सुनने वाला भी है क्या बात है यार वैसे बोलते हैं सारे भारतीय बैठे बात ठीक है वो लोग भी आए इधर तो भारतीय गाने का पसंद करने के लिए सबको पसंद ठीक है लेकिन मतलब ये जो भोजपुरी लैंग्वेज है ना ये बहुत स्पेसिफिक लोग ही पसंद करते हैं ये बढ़िया नहीं है अरे उसे मिठास है वो सबको अपने आप नहीं लेगी बसंती चमन में बहक जालके उमर यही सने सहक जालके बसंती चमन आपको समझ में आ रहा है हम क्या गा रहे हैं नहीं मेरे को सुर समझ में आ रहा है और क्या देखिए उनको समझ में आएगा जब तुम भारत के हो आपको भी समझ में आएगा मुझे भी समझ में आ रहा है देखिए उत्तर प्रदेश बिहार के जो है दिल्ली और गुजरात वाले को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है लेकिन पूरी तरह से ये सब गाना जो है सिर्फ यूपी और बिहार के लोग जो रहने वाले हैं वही समझ अरे नहीं भी समझ में आया तो कम से कम वो उसी में खुश है देखिए अरे खुश मतलब वो गाना की आवाज इतनी मीठी है चाय की तरफ पी रहे देख रहा धमाका
निकाल दो तब तक हो जाए जब तक आपका गर्म हो रहा है कुछ। अरे क्या, अरे 10 मिनट 5 मिनट लगेगा यहाँ पे, गाड़ी में बैठा के आपको छोड़ देंगे सर। ले हो, इट विल टेक 5 मिनट्स फ्रॉम हियर, ले हो, इट विल टेक 5 मिनट्स, विल ड्रॉप यू देयर, डोंट वरी। They like to, they like you to stay here. They ask you to go in the morning with the bus to travel. But what time is this? It's the bus that night with 7:30. Airport. Morning. No, no, sir. 8:25 is the bus. He has to be there at least 1 hour before. But I have to log in now.